सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गुजराती किचन्स को और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गुजराती किचन में। तो आज हम बनाएंगे दो प्रकार के रायते। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये रायते को आप ज़रूर बनाएं, तो आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो रेड बेल आइकन है उसके क्लिक करना ना भूलें, तभी आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए रायता बनाना शुरू करते हैं। तो रायता बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप दही। दही को गाढ़ा लिया है। अभी हम दही को थोड़ा सा पतला करेंगे, तो मैंने उसके अंदर आधा ग्लास जितना पानी, आपका कितना गाढ़ा है दही उस हिसाब से पानी डाल के अच्छे से उसको फेंट लीजिए। दही को हमें अच्छे से फेंट लेना है, एकदम क्रीमी बना देना है। तो मैं इस तरीके से दही को फेंट लूँगी, आप देख सकते हैं। तो दही को मैंने फेंट लिया है, तो अभी मैं एक बाउल में जो हमने फेंट के रखा है दही वो निकाल लूँगी रायता बनाने के लिए। तो ये मैंने निकाल दिया है एक बाउल में। तो अभी हम बनाएंगे वेजिटेबल रायता। तो उसके अंदर अभी मैं डालूँगी गाजर के छोटे छोटे टुकड़े किए, 2 चम्मच जितना ऐड करेंगे। और अभी मैं डालूँगी 1 चम्मच जितना प्याज कटा हुआ बारीक। इसमें से आपको कोई और वेजिटेबल पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम ऐड करेंगे खीरा ककड़ी, उसको भी मैंने बारीक बारीक कट करके ही लिया है। और अभी मैं ऐड करूँगी 1 कटा हुआ बारीक हरा मिर्च, ऐड कर दिया है मैंने। अभी ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच और फुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने 4-5, उसको हमें ऐसे ही तोड़ के ऐड करना है, हाथ से ही तोड़ना है। अगर आप चाकू से काटेंगे तो पत्ते काले पड़ जाएंगे फुदीना के, तो हमें ऐसे ही हाथ से ही तोड़ के ही डालना है। अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको फुदीना की चटनी भी ऐड करनी है तो फुदीना की जगह आप उसकी चटनी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स कर देना है हमें रायते को। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये रायता बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके वेट लॉस के लिए। अभी हम डालेंगे धनिया पत्ता गार्निश के लिए। तो ये मेरा वेजिटेबल रायता बन के एकदम तैयार है। तो अभी हम दूसरा रायता बनाएंगे। तो मैंने दूसरे बाउल में भी जो दही है वो ऐड करेंगे। हम बनाएंगे बूंदी का रायता, तो उसके लिए मैंने दही एक बाउल में निकाल दिया है जो हमने रखा था। अभी मैं ऐड करूँगी मसाला बूंदी। अगर आपके पास प्लेन बूंदी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ये आपको बाज़ार में मिल जाएगी। काली मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच और नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि बूंदी हमें मसाला वाली ली है। तो अभी हम उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं जो रायता है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके ऊपर हम अभी डालेंगे धनिया के पत्ते गार्निश के लिए। तो ये मेरा बूंदी रायता भी बनके तैयार है। ऊपर से हम थोड़ी बूंदी और डाल देंगे गार्निश के लिए। तो ये मेरा बूंदी का रायता भी तैयार है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप सब पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसके भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।